गुड मॉर्निंग भसीन साहब, पता है सर, एक बार पहले बाजार पर आपका जो नजरिया है, अमेरिकी वीकनेस के साथ साथ हम भी थोड़ा ज्यादा फिसल रहे हैं सर आज। गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो आपको पता है आज इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, और जैसे यहाँ पे एक दिन पहले कोई डेटा से घबराहट होती है वहां पे हुई है। सो यू नो 8.3, अब मैं उसमें ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। वी नो गैस एंड ऑयल प्राइसेस आर हाई, बट वो ज्यादातर सारा कुछ एक फियर मॉन्गरिंग है बिकॉज ऑफ द फ्राइडे नंबर्स विच कम इन द मॉर्निंग, और हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ। लास्ट मंथ आपको याद है 8.1 था और 8.3 आया एंड यू सॉ सेल ऑफ, और आज मुझे लगता है यू विल बी सरप्राइज्ड ऑन द ऑपोजिट साइड। तो इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट को रोज रोज इन्फ्लेशन पे टिप्पणी करना विल नॉट बी इन प्लेस। आई थिंक वी आर इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट ग्लोबली, और मैंने आपको कहा है 15, 16, 17 से मेरे हिसाब से बाजार का रुख बदल जाएगा। लेने की चेष्टा कीजिए बिकॉज यू कैनॉट गेट द, आपके पास हैंडल नहीं है कि यूएस नंबर्स क्या आ रहे हैं, ये तो इट्स ऑल स्पेकुलेशन। सो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट टुडे यू मे मेक अ बॉटम इन द यूएस एंड फॉर अस वी शुड रिकवर बाय द एंड ऑफ द डे और दे कुड बी द वीकेंड ब्लूज। आइदर वे मंडे वी सी मार्केट स्टेबलाइजिंग। तो मेरे पे यहाँ दो बायस हैं। एक अपडेट भी दे दूं, मैंने कल जी सेल और टाटा स्टील कहा था, दोनों के स्टॉप लॉस हो गए, आप निकल लीजिए। जो आई एम कन्विंस्ड मेटल्स विल गिव द फास्टेस्ट रीबाउंड बिकॉज ग्रोथ इज कमिंग बैक। मैंने आपको गेल, आईएच, बंधन, लाल पैथलैब और ह्याल सारे अपने अपने टारगेट हो गए। अब आपके लिए दो बायस हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं प्लीज आज के फ्रेश बाय कॉल्स। तो अनिल जी देखिए, बजाज ऑटो बायबैक कर रहा है, ऑटोज में स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे बहुत ज्यादा, और ऑटोज और सीमेंट सबसे पहले स्ट्रेंथ दिखाते हैं जब इकोनॉमी टर्न होती है, ये आप लिख के ले लीजिए। उसके बाद मेटल्स आते हैं, तो ऑटो में टॉप पिक है अशोक लीलैंड, सारे सबसे अच्छे नंबर, सीवी साइकिल चयन हो चुका है, 135 में लीजिए, 132 का स्टॉप, 131 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट। दूसरा पिक अनक्वेश्चनेबली द बेस्ट पिक एट दिस प्राइस इज जी, जी एंटरटेनमेंट। कैपिटल इन्फ्यूजन बाय सोनी विल मेक इट डेट फ्री, एड रेवेन्यूज आर बर्स्टिंग, 235 में लीजिए, 230 का स्टॉप लॉस, 245 to 248 इज कमिंग ऑन दिस ऑन जी। ओके, 245-248 के टारगेट जी के लिए, अशोक लेन के लिए 145 के टारगेट, दोनों कैश के लेवल्स ले लीजिए, वापस से इसको ठीक कर लीजिए, कैश के लेवल्स लीजिए, अशोक लेन 135-150 के आसपास लीजिए और जी एंटरटेनमेंट 235-50 के आसपास। जी जी सर, तो अनिल जी, जी मैं तो एयरपोर्ट पे हूँ, जा रहा हूँ फिर एक और सिटी में जहाँ निवेशक को तैयार करने के लिए। इसको आप जरा हाईलाइट करिए कि इस बार भी अगले पिछले महीने 13,000 करोड़ का सिप आया है। सो आप ये देख लीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अपनी पीठ बाजार की तरफ करे हुए है और वो वहीं रखेगा, और जैसे आपको चेष्टा की दिस इज द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स ऑफ इंडियन इक्विटी हाउस होल्डर्स, वो एक दो हफ्ते या एक दो महीने की बात नहीं है, लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखिए आपको मिलेंगे नहीं, ना L&T मिलेगा, ना एशियन पेंट मिलेगा, ना जी मिलेगा, ना अशोक लीलैंड मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इरादे रखकर आप यहाँ पर निवेश करें, ये राय है भसीन साहब की। दोपहर में फिर मुलाकात होगी भसीन साहब से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।